तस्वीरें देखें, यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि इन गाड़ियों में से एक में हो और गिरफ्तार करके पुलिस उनको ले जा रही हो। ये काफिला न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव देखिए आप। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल संभवतः इन गाड़ियों में से किसी एक में है जिनमें उनको ईडी की टीम लेके जा रही है। ये देखिए जो कई गाड़ियां निकली है और अरविंद केजरीवाल कहा यह जा रहा है इन्हीं में से एक गाड़ी में बैठे हैं और उनको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है और ईडी की टीम है वो जा रही है। देखिए लगातार गाड़ियों का काफिला यहां से निकल रहा है और अरविंद केजरीवाल को इन गाड़ियों में बैठा करके लेके जाया जा रहा है, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि जो तस्वीरें देखिए ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, ईडी की गाड़ियां थी। किसी तस्वीर में मुझे अरविंद केजरीवाल दिख तो नहीं पाए लेकिन इस तरह की आशंका जताई जा रही है, कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को यहां से निकाला गया है और जो बैक गेट है और यहां पर जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं, उनको भी इस तरह से लग रहा है, आशंका इस बात की है कि उनको अरेस्ट करके इन गाड़ियों से ले जाया गया है। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है, कई गाड़ियां थी, लगभग 8 से 10 गाड़ियां थी जिनके काफिले के अंदर ये गाड़ियां गई हैं। क्या ये गाड़ियां ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं? लेकिन उनमें से अरविंद केजरीवाल बैठे हैं अंदर की मैं साफ नहीं देख पाया, इसलिए क्या उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया है? क्या उन 8 से 10 गाड़ियों के काफिले में अरविंद केजरीवाल थे? इस बाबत पुख्ता जानकारी नहीं। अभी भी देखिए गाड़ी निकल के जा रही है पुलिस की और यहां पर जो पुलिसकर्मी वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसका मतलब है कि इस गेट से तो अरविंद केजरीवाल अगर गए हैं ईडी कस्टडी में तो वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, देखिए तस्वीरों में, और यहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। देखिए दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियां हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, इसके पीछे डीसीपी की गाड़ी है जिसके आप लगातार देख रहे होंगे विजुअल। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर के उनको अरेस्ट करके ईडी दफ्तर ले जाया गया है। मानो वहां पर हैं, अगर अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे तो इस बात की तस्दीक वो करेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यह बताए, नेता यह बताए, या फिर ईडी के अधिकारी यह बताएं कि क्या उन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन मैंने जो देखा यहां पर, मैं आपको साफ बता सकता हूं, इम्कान और आसार इस बात के नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तैयारी के साथ, जिस तरह से अचानक गेट खोल करके 8 से 10 गाड़ियों के काफिले में ले जाया गया है कुछ लोगों को, अरविंद केजरीवाल उसमें हो सकते हैं। दूसरी बात, पहले से रूट लगा था, ट्रैफिक मूवमेंट देखिए जिस तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो किसी और के लिए इतना व्यवस्था क्यों की जाएगी? किसी और के लिए ट्रैफिक क्यों रोका जाएगा? किसी और के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी क्यों लगाए जाएंगे? किसी और के लिए डीसीपी की गाड़ी आगे है, उसके बाद वैन है दिल्ली पुलिस की, उसके बाद स्कॉट है, उसके बाद जिप्सी है। यह पूरे रूट पर इस तरह से दिल्ली पुलिस की गाड़ियां थी और सैनिक बलों की गाड़ियां थी, तो जो पूरे हालात हैं, एक तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, परिस्थिति जन साक्ष्य जिनको कहते हैं, परिस्थितियां जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया होगा। होगा मैं इसलिए कह रहा हूं, और उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुकम्मल जानकारी या फिर तस्वीर नहीं है। हमारे साथ जावेद हैं, जावेद फ्रंट गेट पर हैं। जावेद, क्या उधर कोई हलचल या उधर से कोई गाड़ियों का काफिला निकला या कोई सूचना आम आदमी पार्टी के सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट कर लिए गए और उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया है?